हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबको आई थिंक मेरे कैमरे में शायद कुछ वाइब्रेट सा हो रहा है। खैर, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना दिन अच्छे से गुजार भी रहे होंगे और इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैजिक बुक में आज हमारी जो प्रैक्टिस है वो है 12th chapter। 12th chapter को हम आज वर्किंग करेंगे। तो मैं 12th chapter को स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें सो दैट हम प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। और जब ज्यादा डिस्कशन होता है ना तो ज्यादा चीजें बाहर निकल के आती है। अभी मैं इस को इंडिविजुअल और एक दूसरे एक दो पार्टिसिपेंट्स के साथ ही कर रहा हूँ, बट मैं चाहूंगा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें आप सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि जब आप सब लोग ज्वाइन करेंगे ना इस सेशन को तो उसमें होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग इफेक्टिव वे में ज्यादा से ज्यादा लोग से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। जब मेरे से कोई क्वेश्चन किया जाएगा तभी मैं उसका आंसर दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं बहुत आसान होती हैं लाइफ में, जैसे मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें लाइफ में आसान है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो टफ हो। जैसे एक टोल माफ करवाना, एक अक्सर सेगमेंट आता है कि टोल को कैसे माफ करवाया जाए थैंक यू सेगमेंट से, वो जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तभी मैं उसका आंसर दूंगा। मेरे लिए वो बहुत ईजी है, हो सकता है आपके लिए वो टफ हो। गुड़गांव टोल टैक्स मुझसे टोल क्यों नहीं चार्ज करता है, वो मेरे लिए बहुत ईजी है और आई एम थैंकफुल टू फॉर दैट, बट आपके लिए टफ हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं जो आपको ब्रेक मिलेगी। तो ये है, अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जादुई लोग। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जादुई लोग जिन्हें फर्क डाला, जो लोग आपकी लाइफ में फर्क डालते हैं, आप उनके प्रति किस तरीके से थैंक्सफुल हो सकते हैं, किस चीज को लेके आप कोर्स के उनके प्रति थैंक्सफुल होना चाहिए और किस वे आउट में आप उनको थैंक्स कर सकते हैं आज। जरूरी, ये जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि इस हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज की, कोई भी बंदा, जो भी बंदा मन से हो सकता है, कोई बंदा एक राहगीर हो, उसने आपको एक ऐसा आइडिया दे दिया चलते हुए जो कि या कपिल शर्मा का शो हो सकता है, अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स हो सकते हैं, कोई भी चीज जो आपके लिए थैंक्सफुल हो, तो वो क्यों थैंक्सफुल होना चाहिए। एक चीज मैं सॉरी उसके लिए डिस्क्राइब कर दूं कि उस एक आइडिया ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं पहले एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, बट मैं गवर्नमेंट स्कूल बॉयज में जब मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया तो मैं कहता हूँ मेरी जर्नी टोटल चेंज हो गई। पहले मैं जो आर्किटेक्ट बनना चाहता था उससे मैं आज एक बिजनेसमैन बन गया। तो आई एम थैंक्सफुल टू दैट स्कूल कि वहां पे मैं ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि गवर्नमेंट स्कूल उन दिनों बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, बट आफ्टर दैट द सर्कमस्टांसेस विल बी चेंज एंड आफ्टर चेंजिंग पॉइंट बहुत सारी चीजें चेंज हुई और चेंज हुई तो फिर अलग अलग चीजें हुई। तो इस आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जुड़े और कल के सेशन में जो भी लोग जुड़ना चाहें तो वो अच्छे पहले से तैयारी करके छह बजे के सेशन में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। आप इसको एक आंख बंद, मैं एक ट्रिक दूंगा आपको, आपको जस्ट अपनी आईज को क्लोज करना है और अपने आईज को क्लोज कीजिए और आईज को क्लोज करने के बाद इसको एक बार इसको क्लोज करिए। मैं इसको रीड कर रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और सजेशन दूंगा, अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो प्लीज हेडफोन यूज कीजिए, बिकॉज आप जो हेडफोन यूज करते हैं तो आपके दोनों कानों से प्रॉपर साउंड जाती है और माइंड में एकाग्रता का जो भाव है वो बढ़ता है। तो मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ। कई बार हमारी दुख की सॉरी कई बार हमारी खुद की रोशनी
चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। ये वर्ड किसके थे? एल्बर्ट के। एल्बर्ट जो कि 1965 तक रहे, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, चिकित्सक थे, धर्म प्रचारक थे और दार्शनिक थे, दूर का देख सकते थे। ये उनके वर्ड है। तो इसका एक मैं आपको बताया, इसके चैप्टर में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी बारे में है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, कई बार हमारा माइंड खुद आइडिया जनरेट नहीं कर पाता, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं हो पाता है। उस केस में क्या होता है कि जब हमारी रोशनी खुद की चली गई है तो उस टाइम होता क्या है कि हमारी रोशनी चली गई, मीन्स हमारे आइडियाज जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। मैं जैसे आजकल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें 900 टनल्स बेचने हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 900 टनल बेचने हैं हमें, जो 900 टनल बेचने की मैं बात करता हूँ, तो ये जो 900 टनल हमारे हमें बेचने हैं, वो टनल हम कैसे बेचेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो आइडियाज नहीं जनरेट हो रहे हैं, बट मुझे मालूम है कि वो 900 टनल मैं बेच सकता हूँ। या सपोज करो मेरे पास कोई एक्स नाम का बंदा आता है ऑफिस में, वो कहता है यार 900 टनल बेचने, तो एक काम कर फेसबुक मार्केटिंग कर। तो जो उस बंदे ने आइडिया दिया वो उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ग्रेविटी वाला है, बट उसने जो आइडिया दिया उससे मेरा 900 टनल बेच, सैनिटाइजेशन टनल जो आजकल हम बना रहे हैं वो बिक जाते हैं। दैट टाइम वो आइडिया और वो पर्सन हमारे लिए एक, मतलब वो आइडिया क्या दिया उसने, एक चिंगारी दे दी और वो माइंड में मेरे क्लिक किया, अरे यार फेसबुक पे तो हमने मार्केटिंग की नहीं, तो हम फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं और वो टनल बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक चिंगारी जला दी और चिंगारी जलाने से वो हमारा जो आइडिया था, जो हमें आइडिया नहीं आ रहा था, वो दोबारा से सुलग उठा। हमें पता था ऐसा हो सकता है बट वो आइडिया जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो दैट टाइम वो आइडिया जनरेट हुआ और टक देने से सेल होने स्टार्ट हो गई। हमें से हर व्यक्ति उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना, हमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ जलाई। तो आज का चैप्टर हमारे इसी बारे में है कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति, मुझे उस एक्स बंदे को थैंक्सफुल करना, क्योंकि भैया तेरे वजह से मेरे टनल बिक गया। अगर मैं उसे कॉल कर सकता हूँ बहुत बढ़िया है, उसे थैंक्स बोल सकता हूँ बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बोल सकता हूँ तो मेरे को कहीं भी जहां पे भी टाइम मिलेगा वो मुझे उसको थैंक्स कहना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम उसी को डिस्क्राइब करेंगे कैसे हमें थैंक्स को कहना है और किस तरीके से, क्योंकि मैं ये बुक पहले भी पढ़ चुका हूं और मुझे इस बुक के सारे आइडियाज पता है, सारे मैं नहीं कहूंगा, मैक्सिमम आइडियाज अभी तक मुझे पता चल चुके हैं। तो दैट द मेन रीजन इज कि मैं आपको पहले से डिस्क्राइब कर पाता हूँ, और मैंने आपको हर बार कहा है कि जब भी आप क्लास में आए तो अपने अगले चैप्टर की को एक बार रीड करके ही आए, सो दैट उससे होता क्या है कि बेटरली आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस तरीके से आपको वर्किंग कर। अब हम आगे चलते हैं। जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन, मार्गदर्शन दिया है, खासतौर पर तब जब हम उसकी सबसे ज्यादा, खासतौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। सपोज करो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि करना है, मैं 900 टनल बेच सकता हूँ, बट माइंड में नहीं आ रहा था कि कैसे बेच सकूं, और उसने एक्स बंदे ने कि फिर दिया फेसबुक मार्केटिंग कर लो, तो वो एक राइट टाइम पे एक राइट पर्सन ने आइडिया दे तभी वो हुआ। तो उसका इम्पोर्टेंस एक होता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है और फिर टनल बिकने स्टार्ट हो जाते हैं।
इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था और हमें हमारे जीवन को बदल दिया था। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले ही जीवन को बदलने की कहानी है। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति को आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने और बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हमें मालूम भी नहीं होता है। सपोज करो, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अक्सर हम लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आजकल तो गूगल मैप आ गया है, बट अब भी बहुत सारे लोग या बहुत सारी जगहों पे हमें पूछना पड़ता है कि मुझे सुरेश की दुकान पे जाना है। सपोज करो मैंने बोला सुरेश की दुकान पे जाना है, तो मुझे सुरेश की फैक्ट्री में जाना है, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं भैया, एक राहगीर से पूछ लेते हैं कि सुरेश की फैक्ट्री का रास्ता क्या है। हम आधे घंटे से इधर उधर भटक रहे होते हैं, पर वो बंदा जो वहां पे खड़ा हुआ था उस कॉर्नर पे, वो हमें बताता है, अरे भैया आप जहां खड़े हो उसके दो फैक्ट्री छोड़ के तो सुरेश की फैक्ट्री है, या उसके दो दुकान छोड़ के तो सुरेश की दुकान है। और हम आधे घंटे से भटक रहे थे, हमें पता था हमें जाना है पर हमें डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमें थैंक्सफुल होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें सही हमारा टाइम बचाया, वरना हम और आधे घंटे भटकते रहते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आज हमें थैंकफुल होना है। और कई बार हमें महसूस भी नहीं होता, अक्सर आप जब किसी को बोलते हैं थैंक यू भी नहीं बोलता, तो आज हमें उसको थैंक्सफुल कहना है। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षा या कोच हो, शिक्षक हो या कोच हो, या चाचा चाची भाई बहन दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है वह डॉक्टर हो, नर्स हो, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो। हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके पर वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आगे चलकर आपको सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे और वह बहुत कम समय के लिए अपने आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झुनझुना उठे। मैं अपने एक लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, एक कंपनी रन अप कर रहा था, वीमो एडवर्टाइजिंग। मेरे जिया जी हैं महावीर जी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि विक्रम आई नीड डीजे इन माय बैंकेट हॉल। मैंने कहा जिया जी मुझे तो नहीं मालूम। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे डीजे करके। और उन्होंने मुझे डीजे के लिए कॉल किया और मैंने उनको एक डीजे अवेलेबल करवा दिया। वो एक ऐसी घटना थी कि उससे मुझे लगा कि वो एक कॉल कि मुझे इस लाइन में थोड़ा लेट्स ट्राई, थोड़े टाइम में फ्री भी हूँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग का बिजनेस गर्मियों में मंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एडवर्टाइजिंग में तो पीआर में तो हम हैं ही, चलो ऑडियो विजुअल में भी एंट्री कर। और उस एक घटना ने ऐसा चेंज किया कि धीरे धीरे करके आज मैं कहूंगा कि हमारा 90% बिजनेस ऑडियो विजुअल पे आ गया, सिर्फ उस एक कॉल की वजह से। अदरवाइज वो फर्स्ट टाइम कॉल नहीं आई होती ना, तो मेरे ख्याल से हम लोग ऑडियो विजुअल में नहीं होते, हम भी एडवर्टाइजिंग में ही काम कर रहे होते और एडवर्टाइजिंग का ही काम हमारा चल रहा होता। बट आफ्टर दैट कॉल द टोटल सेगमेंट विल बी चेंज, डीजी इवेंट का जन्म हुआ और टोटली सेगमेंट विल बी चेंज। तो 15 साल पहले जब वो कॉल आई थी ना, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा भी करें और हम ऐसा हो जाएगा कि मतलब ऑडियो विजुअल हो जाएगा, हम भूल जाएंगे कि पीआर क्या होता है, भूल जाएंगे कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या होता है। तो ऐसा भी होता है। आई एम थैंक्सफुल टू माय जिया जी, महावीर जिया जी और जगत जी, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत मैं कहूँगा वो कॉल मुझे रिसीव हुआ और उसके बाद बस पथ प्रदर्शित होता रहा और मैं धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज एक डिजिवेंट वैल्यूबल ब्रांड बन गया। तो हमें हर उस आदमी को, वो कोई भी हो सकता है जिसके प्रति आप थैंक्सफुल हो। मेरी दीदी ने मुझे मुझमें पुस्तकों पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा।
जो राइटर है उसकी सिस्टर ने उसके प्रति उस बुक्स और आदिकाल की जो लिपि है उसके प्रति और गांव के प्रति प्रेम को भरा। तो वे इन चीजों के से प्रेम करती थी और इन अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाककला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरी बहन सॉरी यही नहीं देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। मेरी दीदी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझसे विनम्र होने भर उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सीखना दीदी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दीदी। एज ए सिस्टर उनके सिस्टर ने जो उन्हें पढ़ाया वो उनके लिए थैंक्सफुल है। आप के प्रति वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आप उसके प्रति थैंक्सफुल हो सकते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजिए, अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके जीवन पर में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे कि वह आपके सामने मौजूद है। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। मैं कृतज्ञ हूं अपने जियाजी महावीर जी के प्रति क्योंकि उन्होंने मुझे बिजनेस उनको खुद भी नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे टीच किया क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल सिर्फ ये था कि हाँ विक्रम तू मेरे साथ आ गए वैसे मैं उनके साथ घूमता था और बस उसी से मैं बिजनेसमैन बन गया। तो मैं उनके लिए थैंक्सफुल हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे लेसन सुनाए सिखाए क्योंकि उनकी एज मुझसे बहुत बहुत ज्यादा थी और अहमदाबाद में फैक्ट्रीज ओनर्स जो भी थे जिनकी फैक्ट्रियों में मैंने वर्किंग करना सीखा जिनकी जैसे कांति भाई तो उन सबके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ। तो इसी तरीके से आपको थैंक्सफुल होना है और थैंक्सफुल होने के नाते अगर आप उनसे बात कर सकते हैं दैट्स गुड। अगर आप हिचकिचा रहे हैं नहीं बात कर सकते तो एक काम मैं बताता हूँ आपको, आप घर में बैठना चाहते हैं घर में बैठिए, वरना मैं जो करता हूँ जनरली हम लोग जो मैं जो करता हूँ मैं गाड़ी को एक रोड के किसी एक किनारे पे खड़ा कर लेता हूँ और वहां पे मैं इस तरीके से बैठ जाता हूँ कि मैं उस टाइम अपने ड्राइवर को ड्राइवर मेरा साथ में नहीं होता परमिश तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ जी उस सीट पे कंडक्टर सीट पे जो बंदा बैठा होता है मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ कि वो महावीर जी हैं या जगत जी हैं या वरुण है या कौन है। एक बंदे को वहां पे मैं बैठा लेता हूँ मतलब इमेजिन कर लेता हूँ और फिर मैं उससे बातें करना शुरू करता हूँ। ये मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट मोमेंट होता है क्योंकि मैं हर अच्छी बुरी बात उनसे शेयर कर रहा था और बिलीव मी मुझे ऐसे ऐसे आइडिया उनसे मिलते हैं उनको खुद भी नहीं मालूम होगा कि वो क्या क्या आइडिया मतलब मेरा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों टाइम एक्टिवली काम कर रहा है और ऐसे ऐसे आइडिया निकल के सामने आते हैं कि जो जोड़ के रख देते हैं और विक्रम यादव तीर की तरह आगे बढ़ जाता है। तो दैट्स द मेन रीजन इज कि मैं कह रहा इसमें लेखक ने भी ये आपको डिस्क्राइब किया है कि आप बात तो करिए उन तीन लोगों को अपने सामने बैठाइए मीन्स आप उनको इमेजिन करिए कि आपके सामने बैठे हैं और उनसे बातें करिए कि भैया क्यों थैंकफुल है और फिर देखना आप बहुत सारे आइडियाज आपके जन्म लेंगे।
मैं हमेशा कहता हूँ आइडिया अगर आपको जानना है तो उस आदमी को सामने बैठा लो, जिससे मुझे अमिताभ बच्चन से आइडिया लेने, तो मैं अमिताभ बच्चन को सामने बैठा के ही उसको थैंक्सफुल होता हूँ। उनके एक, मैं अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, आपने शायद उनके लाइफ जर्नी पढ़ी हो, तो उन्होंने एक बार एक डायरेक्टर ने पूछा कि सर मूवी थी एक काफी पुरानी मूवी थी, तो उसमें सर्दी का सीन था, तो अमिताभ बच्चन को एक कंबल ओढ़ के बैठना था और अमिताभ बच्चन उसकी रिहर्सल कर रहे थे, तो उनको 1.5 घंटा से वो रिहर्सल कर रहे थे काफी देर से, और क्योंकि स्क्रिप्ट काफी लंबी थी वो पढ़ रहे थे कंटिन्यूसली, तो उन्होंने डायरेक्टर साहब आए और उन्होंने पूछा कि अमिताभ जी आपको गर्मी नहीं लग रही, आप इतना मोटा कंबल बैठ के ओढ़ के बैठे हुए हैं और यहाँ इतनी धूप है, तो उन्होंने एक बड़ा शॉर्ट वर्ड में और बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अगर मैं सोचूंगा तो गर्मी लगेगी। उनका अपने माइंड पे इतना कंट्रोल था कि अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई ही इज ए लेजेंडरी हीरो एंड आइडल फॉर एवरीवन। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि हम कहाँ थे। हाँ हम यहाँ पे थे। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरी गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीनों लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों अगर आइडिया लेने हैं ना अपने मेंटर से, तो अपने मेंटर को सामने बैठाओ और उनसे बातें करना शुरू कर दो, आपको अपने आप आइडिया मिल जाएंगे और अपने आप आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसा ही करना है कि तीनों को एक साथ बैठाना, अलग अलग मत बैठाना, एक को सुबह, एक को दोपहर, एक को शाम, ऐसे मत करना। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें। सारा मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस सेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं उस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत है जो तुमने उस दिन कहे थे। सारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपको हमेशा why नहीं because पे फोकस करना है, और इसमें अति संभव नहीं है, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उस तरह से संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। दैट्स द मीनिंग। पता है आपको एक चीज बताता हूँ, स्टडी करते टाइम ना आपको टीचर पढ़ाता है कि 5 बार लिखो। इसका रीजन ये होता है कि जो आप लिख रहे होते हैं ना, तो और अगर बोल बोल के लिख रहे हो तो आपके कान भी उस वर्ड को सुन रहे हैं और आपकी आंखें भी उस वर्ड को देख रही हैं, तो आप लिख के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अक्सर लिखित में प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो लिखित में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने एम्स में डेली लिखता हूँ, तो आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जब आप यह अभ्यास पूरा कर ले तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़े फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा परिणाम यह होता है कि आप अद्भुत चीजों की को अपने ओर आकर्षित करते हैं। जैसे यही प्राप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यदि जीवन का जादू यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो आज आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट बना रहे हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में यह कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में जिस समय किसी शांत जगह पर बैठें, और उन तीन लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर जोर से बोले, बोलते हुए कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उनसे उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और जीवन और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई सब धन्यवाद 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 कहें। तो आज का चैप्टर यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और थैंक यू आज के चैप्टर के लिए। और दैट्स इट। थैंक यू।